रोसड़ा SDO के अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक कर कई दिशा निर्देश दिए। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं P News। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंघिया प्रखंड स्थित प्रखंड कार्यालय में आज गुरुवार के दिन रोसड़ा के अनुमंडल पदाधिकारी ब्रजेश कुमार की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक की गई। उन्होंने बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों को पंचायत में जन कल्याणकारी योजना के जांच में पाए गए त्रुटि पर विधि संबद्ध कार्यवाही करने के बारे में कई तरह के दिशा निर्देश दिए। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र एवं सरकारी विद्यालय पर 12 वर्ष से 17 वर्ष के बच्चों को 100% कोरोना के बूस्टर डोज वैक्सीन दिलाने पर जोर देने का निर्देश उपस्थित प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी को दिए हैं। साथ ही आंगनबाड़ी सेविका सहायिका और स्कूली शिक्षक को भी इस काम में सहयोग करने के दिशा निर्देश दिए। वहीं उपस्थित प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर MM अंसारी ने बताया कि जिन लोगों को सेकेंड डोज का 6 महीना पूरा हो चुका है उसे ही बूस्टर डोज वैक्सीन दिया जा सकता है। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी पंकज कुमार, शक्तिधर जीविका के धर्मेंद्र कुमार, गोपाल सिंह, यूनिसेफ के समरजीत सिंह, ICDS के सुपरवाइजर सोनम, प्रिया, सरिता कुमारी के अलावे कई कर्मी मौजूद थे। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए P News।